सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे हैं। अब तक जो है मैंने आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें हम लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद में बात की हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और आज हम बात कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स की उपस्थिति में किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड जो है वो स्प्लिटिंग होती है। तो लिगेंडों की जो है विभिन्न लिगेंडों की उपस्थिति में अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस लिगेंड्स। तो यहाँ हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स के कारण से किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड जो है स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। तो अष्टफलकीय संकुलों में विभिन्न लिगेंडों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन मुख्य रूप से जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है वो डिफरेंट लिगेंड्स की प्रेजेंस में जब होती है तो वो दो फैक्टर्स जो है उस पर वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, या जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो डेल्टा ओ मतलब ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में बढ़ते हुए लिगेंडो द्वारा डी कक्षकों का दो समूह यानी T2G और EG में विभाजन होने पर दोनों कक्षकों के समूह T2G और EG के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है वो जो है वो डेल्टा जीरो कहलाता है। तो यानी लिगेंड्स की उपस्थिति में जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डी ऑर्बिटल्स जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा जीरो से या डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मान को अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंडों की तीव्रता निर्धारित करती है। वे लिगेंड जो स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला में आगे की तरफ होते हैं वे अधिक प्रबल होते हैं, उनके लिए इसका मान अधिक होता है, जबकि स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला में पीछे आने वाले लिगेंडों के लिए इसका मान जो है वो कम होता है। तो ये जो डेल्टा ओ का मान जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लिगेंड्स जो आगे की तरफ आते हैं उनके लिए इसका मान अधिक है, यानी कि वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं, और जो पीछे की तरफ जो लिगेंड्स आते हैं उनका मान कम होता है। आपको ध्यान होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा जो है जो हमने पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने की थी कि किस प्रकार से कौन कौन से लिगेंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं और कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। आप उसको वापस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर दूसरा जो फैक्टर जो है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करता है वो है औसत युग्मन ऊर्जा पाई, यानी एवरेज पेयरिंग एनर्जी पाई। तो ये जो औसत युग्मन ऊर्जा का जो मान है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला है कुलामी प्रतिकर्षण यानी कुलाम्बिक रिपल्शन, वह प्रतिकर्षण जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, यह वह ऊर्जा है जो किसी कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को एक और जो है अन्य इलेक्ट्रॉन डालकर अयुग्मित करने पर तंत्र को देनी पड़ती है। तो ये ऊर्जा जो है जब हम एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसको युग्मित करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको हम ये कुलाम्बिक रिपल्शन एनर्जी कहते हैं। दूसरा है विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी, वह ऊर्जा जो कि समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को प्रति समानांतरण करने के लिए देनी पड़ती है, यानी कि जो पैरेलल स्पिन है उसको एंटी पैरेलल स्पिन करने के लिए जो ऊर्जा सिस्टम को देनी पड़ती है वो ऊर्जा कहलाती है विनिमय ऊर्जा। तो इन दो फैक्टर से जो है कुलामी प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा, इन दोनों से मिलकर जो है वो ये जो है एवरेज पेयरिंग एनर्जी जो है वो बनती है, जिसको हम जो है कहते हैं औसत युग्मन ऊर्जा, और इसको अपन पाई से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब हम दोनों स्थितियों के बारे में बात करते हैं।
क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा व औसत युग्मन ऊर्जा के मध्य अंतर के आधार पर दो स्थितियां बनती हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी द टू कंडीशंस आर देयर। मतलब दो कंडीशंस, दो परिस्थितियां जो हैं वो हो सकती हैं। पहली कंडीशन है जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द एवरेज पेयरिंग एनर्जी। जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान औसत युग्मन ऊर्जा पाई से अधिक होता है, तो पहली स्थिति है डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पाई। और दूसरी परिस्थिति है बी जो है, जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान औसत युग्मन ऊर्जा पाई से कम हो, तो ये कहलाती है डेल्टा जीरो, डेल्टा ओ इज लेस देन पाई। तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले ए कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान जो है वो औसत युग्मन ऊर्जा से अधिक हो, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द एवरेज पेयरिंग एनर्जी। जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा का मान औसत युग्मन ऊर्जा पाई से अधिक होता है यानी डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पाई, तो लिगेंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड का उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोबाल्ट 3 आयन है, उसके अंदर जो विभिन्न कक्षक हैं वो जो है वो डीजनरेट स्टेट में होंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं वो क्या होता है, D6 होता है, यानी कोबाल्ट 3 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D6 होता है, यानी कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के सभी कक्षक डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इनका इनकी व्यवस्था होती है। तो जब इसके पास में जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आएगा, जैसे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, तो अमोनिया के आने से जो है ये जो है हेक्सामीन कोबाल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसके अंदर क्या होगा, जब जैसे ही वो 6 NH3 लिगेंट्स जो हैं जब इसके पास में आएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होने के कारण क्या होता है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसके लिए वैल्यू का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू का मान ज़्यादा होगा मतलब क्या है, ये लिगेंट ज़्यादा मात्रा में जो है स्प्लिटिंग करेंगे, तो डेल्टा जीरो वुड बी मोर देन द पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा से इसका मान जो है वो अधिक होगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, जो है इस परिस्थिति में डेल्टा ओ वुड बी ग्रेटर देन पाई, एवरेज पेयरिंग एनर्जी से जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगा। इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो T2g और EG कक्षकों में जो विभक्त हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये प्रयास करेंगे कि जो नीचे वाले ऊर्जा वाले कक्षक जो हैं, जो T2g कक्षक हैं, उन्हीं में ही सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर हो जाएं, क्योंकि अगर वो ऊपर के कक्षकों में जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह का जो स्प्लिटिंग है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में ऐसा होता है। यदि डेल्टा जीरो इज ग्रेटर देन पाई हो तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के संभ्रंश कक्षकों में प्रवेश करेगा, यानी कि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, वो लोअर एनर्जी वाले जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं यानी T2g ऑर्बिटल्स जिनकी हम बात करेंगे उसमें जाएंगे, अर्थात एकल इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी। इस प्रकार के संकुलों में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, अतः इन्हें चक्रण युग्मित या स्पिन पेयर्ड या लो स्पिन संकुल कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा ओ का मान अधिक होता है, जो तभी संभव है जब लिगेंडों का क्रिस्टल क्षेत्र प्रबल हो, अतः इस प्रकार के संकुलों को प्रबल क्षेत्र संकुल या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 नाम आ गए, एक आया स्पिन पेयर्ड यानी के चक्रण युग्मित, एक आया निम्न चक्रण यानी लो स्पिन, और तीसरा आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या प्रबल क्षेत्र संकुल। तो ये कब बनता है, जब डेल्टा जीरो का मान पाई से अधिक होता है। संयोजकता बंध में इन्हें आंतरिक कक्षक या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या सहसंयोजक संकुल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षक काम में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, या जो कक्षक काम में आते हैं वो आंतरिक कक्षक होते हैं, इसलिए उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इसका नाम जो है
वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स भी दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पेयर्ड होते हैं, इसलिए। अर्थात उस स्थिति में संकुलों के निम्न नाम हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 नाम हो गए। एक है प्रबल क्षेत्र संकुल, दूसरा है चक्रण युग्मित संकुल यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा क्या है स्पिन पेयर्ड लिगेंड, फिर है लो स्पिन लिगेंड, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मैं वापस बोलता हूँ, पहला कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा कहलाएगा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, तीसरा कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, चौथा कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और पांचवा कहलाता है कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस। हिंदी में आपके सामने लिखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रबल क्षेत्र संकुल, चक्रण युग्मित संकुल, निम्न चक्रण संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल और सहसंयोजक संकुल। तो ये जो सारे पांचों नाम हैं ये सभी समान अर्थ वाले हैं, यानी कि दे आर सिनोनोमस एक तरह से। बी स्थिति क्या होगी, जब क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान औसत युग्मन ऊर्जा से कम हो जाएगा, व्हेन डेल्टा ओ वुड बी लेस देन पाई, तो क्या होगा, तब जो है लिगेंड दुर्बल क्षेत्र वाला हो जाएगा। तो लिगेंड जो होता है वो कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी उसके कारण जो स्प्लिटिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इस केस में जो पाई का मान है वो डेल्टा जी से, डेल्टा ओ से अधिक है। तो जैसे यहाँ हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कोबाल्ट का, जैसे कोबाल्ट 3 आयन जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B6 होता है, जैसा हमने पूर्व में भी बात की थी, तो ये सभी पांचों जो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये पांचों डी कक्षक जो कि डी जनरेट हैं उनमें व्यवस्थित हो जाएगा। तो DXY में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंट आएगा जो कि वीक फील्ड लिगेंट है, जैसे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर हमने फ्लोराइड की बात की, तो 6 फ्लोराइड लिगेंट जब इस कोबाल्ट 3+ आयन के नज़दीक आएंगे तो उनके आने से जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंट है, उसके डेल्टा ओ का मान कम है। तो जो स्प्लिटिंग होगी उस स्प्लिटिंग के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से अरेंज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अरेंज होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा का अंतर कम है तो आसानी से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो है उनका जो पेयरिंग है वो यहां पर नहीं होता। यदि पाई जो है उसका मान डेल्टा ओ से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाले कक्षकों में युग्मन करने पर अधिक ऊर्जा व्यय होगी। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का चक्रण युग्मित होने से बच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पेयरिंग नहीं होती, वो ऊंचे वाले कक्षकों में वो चला जाता है। यहाँ पर डेल्टा ओ का मान कम होता है जो तभी संभव है जब लिगेंडों का क्रिस्टल क्षेत्र दुर्बल हो। अतः इस प्रकार के संकुलों को दुर्बल क्षेत्र संकुल या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं। तो ये 5 नाम जो हैं ये पुनः जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखे थे वो यहाँ पर भी रहेंगे। पहला है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या दुर्बल क्षेत्र संकुल, दूसरा नाम कहलाएगा चक्रण मुक्त या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, तीसरा कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्योंकि स्पिन ज़्यादा है यहाँ पर अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको अपन उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। तीसरा है बाह्य कक्षक संकुल, यानी वो संकुल जिसमें डी कक्षक जो है वो आउटर वाला डी कक्षक जो है वो इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनको हम आयनिक संकुल भी कहते हैं। ये जो अंतिम वाले दोनों नाम हैं ये जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जो है वो पॉलिंग ने जिन्होंने दिया था थ्योरी को उन्होंने दिए, और बाकी ये जो नाम हैं 3 वाले इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है इस प्रकार की 2 परिस्थितियां बनती हैं। पहला है जब लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तब जो है डेल्टा ओ का मान जो है वो पाई से अधिक होता है, और दूसरी परिस्थिति होती है जब वीक फील्ड लिगेंड होता है जब डेल्टा ओ का मान जो है वो पाई से कम होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में इस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। अब हम अगले लेक्चर में अगले टर्न पर इस बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान जो है वो ऑक्टाहाइड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।